Hi guys, welcome to Ali Vocabulary. So today is 6th February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper and other important newspaper like the Times of India with pictures and tricks. And tricks aise ki aap words ke matlab bhool hi nahi paoge. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is surreptitious. Surreptitious means when you doing something and you don't want to be seen doing. मतलब किसी काम को छुप के करना, किसी काम को छुप के secretly करना. Obviously किसी हम गलत काम को छुप के करते हैं, secretly करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं surreptitious. जैसे suppose कोई student है और वो अपने parents से छुप के स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है तो उसे क्या बोलेंगे? surreptitious. वो बात अलग है कि कोई खुलेआम स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है तो उनका नहीं, जो छुप के करते हैं उन्हें बोलते हैं surreptitious. सो surreptitious means डन सीक्रेटली विदाउट एनी वन सीइंग और नोइंग. और यू कैन से केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड. मतलब जो अप्रूव्ड नहीं है उसको छुप के कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? surreptitious. हिंदी में से बोलेंगे छल से किया हुआ. अब इसे याद कैसे रखें? तो इसको करो यार सस्पिशियस से. surreptitious सस्पिशियस है ना, थोड़ा साउंड सिमिलर. तो इसको करो यार सस्पिशियस से. सो यू सस्पेक्ट समवन इफ दे आर हाइडिंग सीक्रेट. मतलब कोई जो छुप छुपा करता तो आपको लगता है वो थोड़ा सस्पिशियस है तो वो क्या होगा? surreptitious. फॉर एग्जाम्पल दे हैड सेवरल surreptitious कन्वर्सेशंस. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है फर्स्ट surreptitiousness, ये एक नाउन है. नेक्स्ट है surreptitiously. surreptitiously एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन ए वे दैट अटेम्प्ट टू अवॉइड नोटिस एंड अटेंशन, दैट इज इन ए surreptitious मैनर. जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल कमो surreptitiously slipped फ्रॉम द रूम. यहाँ जो स्लिप है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्लिप खाना, मतलब जो होता है फिसलने वाला स्लिप, ये वो स्लिप नहीं है. इसका मतलब होता है जब आप अपने रूम से छिप के निकलते हो, मतलब छिप के बोलते हैं ना दबे पाँव निकलना, मतलब शांति से क्वाइटली आप दबे पाँव निकल रहे हो तो उसका मतलब होता है स्लिप्ड. सो कम वो surreptitiously स्लिप्ड फ्रॉम द रूम. नेक्स्ट वर्ड हमारा है इमॉर्टलाइज. इमॉर्टलाइज मीन्स दैट लास्ट फॉर एवर. मतलब जो अमर है, जो अजर अमर है, जो सालों से है, जो सालों से याद किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं इमॉर्टलाइज. जैसे आपके कोई फेवरेट स्टार या स्पोर्ट पर्सन जो अब इस दुनिया में नहीं लेकिन फिर भी वो अभी फेमस है, अभी भी आप उसे याद करते हो तो उन्हें बोलते हैं इमॉर्टलाइज. सो इमॉर्टलाइज मीन्स टू मेक समवन और समथिंग सो फेमस दैट पर्सन और थिंग इज रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और यू कैन से मेक फेमस फॉर एवर. हिंदी में से बोलेंगे अमर करना. अब इसे याद कैसे रखें? तो आप इसको करो रिलेट. देखो यहाँ वर्ड है ना इमॉर्टलाइज, बना इमॉर्टल से. इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब आपको पता होगा जो मतलब सालों से जीवित रहते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं लिविंग, लिविंग फॉर एवर, डेथलेस. और यू कैन से अनडाइंग, उन्हें बोलते हैं इमॉर्टल. इमॉर्टल का मतलब तो आपको पता है ना, जो अमर अजर, मतलब जो सालों से जीवित रहते हैं उन्हें बोलते हैं इमॉर्टल. और देखो इमॉर्टल भी वर्ड बना है मॉर्टल से. अब मॉर्टल का मतलब तो पता होगा, मतलब जिसे मरना ही है, मतलब जो मतलब जैसे बोलते हैं ना मैन इज मॉर्टल, मतलब मैन जो है जो अभी आया है इस दुनिया में वो जाएगा ही, तो उसे बोलते हैं मॉर्टल. मतलब जिसे मरना ही है वो हो गया मॉर्टल. और इमॉर्टल मतलब क्या, जिसे मतलब वो मरेगा नहीं, वो सालों से जीवित रहेगा, उसे बोलते हैं इमॉर्टल. और इसी से हो गया इमॉर्टलाइज, जो सालों से जीवित रहेगा, जिसको आप हमेशा याद रखोगे, जो फेमस रहेगा वो हो गया इमॉर्टलाइज. तो इसको कर लिया इमॉर्टल से. ओके अब इसे याद तो रख लिए. अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ही विल बी फॉर एवर इमॉर्टलाइज इन द हिस्ट्री बुक. मतलब कोई ही होंगे वो फॉर एवर इमॉर्टलाइज रहेंगे हिस्ट्री बुक में. एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है इमॉर्टल. इमॉर्टल का जैसे मैंने बताया नॉट मॉर्टल, मतलब जो नहीं मरेंगे, नॉट मॉर्टल, नॉट लाइबल और सब्जेक्ट टू डेथ. नेक्स्ट है इमॉर्टली. इमॉर्टली एक एडवर्ब है. एंड नेक्स्ट वर्ड है वर्बोज.
नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस. वर्बोस मीन्स व्हेन, वर्बोस मीन्स यूजिंग, यू यूजिंग मोर वर्ड्स देन यू एक्चुअली नीड टू. मतलब फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब जब आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करते हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अपने जब वर्ड्स को यूज़ करते हो तो उसे बोलते हैं वर्बोस. जैसे सपोज आपको किसी ने पूछा कि आप पार्टी में गए थे, तो आपको सिंपली आंसर देना चाहिए था हाँ या नहीं, तो आपने बस आंसर दिया हाँ, और उसके बाद आप स्टोरी बताने लगे हाँ वहाँ मैं गया था ना, कब पार्टी शार्टी बहुत मस्त हुआ, ये वो दैट दिस, मतलब म्यूज़िक के बारे में सब कुछ आप उसे बताएं, मतलब ब्ला 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 सब कुछ उसे बताने लगे, तो उसे बोलेंगे वर्बोस. मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करे, अटर पटर ब्ला ब्ला करे, तो उसे बोलते हैं वर्बोस. सो वर्बोस मीन्स यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी. हिंदी में से बोलेंगे वाचाल या शब्द बहुल. अब इसे याद कैसे रखें, तो आप इसको टू पार्ट में बांट लो, वर प्लस वोज. तो वर से हुआ वर्बल, वर्बल मीन्स होता है ना जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उस हिंदी में, मौखिक, उसे बोलते हैं वर्बल. तो वर को करो रेड ऑफ वर्बल से वर्बल, और वोज को करो आप रेड बॉस से, बॉस कोई ऑफिस का बॉस है, वोज को करो रेड बॉस से. ओके, सो यू मे से दैट योर बॉस इज एक्सेसिवली वर्बल. मतलब एक तरह से आपका बॉस है वो वर्बल बॉस है, वर्बल बॉस हो गया. सो वर्बल बॉस मतलब आपका बॉस बहुत अटर पटर बोलते रहता है, बला बला बोलते रहता है, तो वो क्या है, क्या हो गया वर्बोस. फॉर एग्जांपल ए वर्बोस एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूरत से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किया गया एक्सप्लेनेशन, तो वो हो गया वर्बोस एक्सप्लेनेशन. या वर्बोस रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट दो पेज में अच्छा से होना चाहिए वर्ड्स में, तो वो 10 पेज का वर्ड्स में पूरा बना दिया रिपोर्ट, तो वो हो गया वर्बोस रिपोर्ट. और स्पीच, या कोई स्पीच दे रहा है वो ज़्यादा वर्ड्स में, और स्टाइल एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है वर्बोसिटी. वर्बोसिटी एक नाउन है, इसका मतलब हुआ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्बोस. और यू कैन से वर्डीनेस. फॉर एग्जांपल हिज स्पीचेस वेयर ऑलवेज मार्ड बाय वर्बोसिटी. मतलब उसका जो स्पीचेस है, मार्ड मीन्स होता है जब आप मतलब कुछ मतलब जो ख़राब हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है या कोई अच्छा नहीं होता, तो उसे बोलते हैं मार्ड. सो हिज स्पीचेस वेर ऑलवेज मार्ड बाय वर्बोसिटी. मतलब उसका जो स्पीच है हमेशा ख़राब हो जाता है वर्बोसिटी के कारण, क्योंकि वो बहुत बढ़ा चढ़ा के मतलब वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है इसीलिए. और नेक्स्ट है वर्बोसली. वर्बोसली है एडवर्ब. नेक्स्ट वर्ड है हिकल. नेक्स्ट वर्ड इज हिकल. हिकल मीन्स टू चैलेंज और हरास समवन व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक. मतलब जब कोई पर्सन पब्लिक में, जब कोई पर्सन पब्लिक में ऑडियंस के सामने कुछ स्पीच या भाषण देते रहता है, जैसे ये देखो ये जो पब्लिक, जैसे सपोज ये जो पर्सन है ये इस पब्लिक मतलब ये ऑडियंस के सामने कुछ बोल रहा है, और इसमें से एक जो कोई ऑडियंस होगा या कोई पर्सन होगा इसे इंटरप्ट करता है. इंटरप्ट करता है मतलब इसे मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ वर्ड बोलता है, या मतलब इसे कुछ चैलेंज करता है, हरास करता है, ऐसा कुछ मतलब अनफ्रेंडली वर्ड बोलता है जिससे ये इंटरप्ट हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हिकल. मतलब ये जो पर्सन जो बोल रहा है इसको आप इंटरप्ट करते हो किसी भी तरह से, कोई ऑडियंस में कुछ बोल के या कुछ ऐसा कुछ से, तो उसे बोलते हैं हिकल. सो हिकल मीन्स टू इंटरप्ट ए पब्लिक स्पीच और परफॉर्मेंस विथ लाउड अनफ्रेंडली स्टेटमेंट और क्वेश्चंस. हिंदी में से बोलेंगे सवालों से बात काटना. अब इसे याद कैसे रखें, तो आप इसको कन्वर्ट हिचकी से, हिकल हिचकी. हिचकी पता है ना जो हम जो मतलब आता है ना हिचकी, आपको पता ही होगा, तो जो हिचकी जिसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिकैप्स. जो सपोज़ ये जो पर्सन है इसको मतलब स्पीच देते हुए हिचकी आ रहा है, हिकैप्स आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली अपने आप को इंटरप्ट हो गया, तो वो क्या हुआ हिकल. बस इसको याद रखने के लिए आप करो रेट इसको हिचकी से, मतलब वो इंटरप्ट हो गया हिचकी के कारण, अभी ऑडियंस कारण हुआ या अपने हो गया, तो वो हो गया हिकल. फॉर एग्जांपल ए फ्यू एंग्री लोकल स्टार्टेड हिकलिंग द स्पीकर. मतलब जो लोकल्स यहाँ, जो सपोज ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ मतलब हो रहा है ये स्पीच, तो यहाँ जो लोकल पब्लिक है ये इसे इंटरप्ट कर रहे हैं. ओके, तो ये हो गया हिकल्स. एंड से रिलेटेड वर्ड है हिकलर. हिकलर एक मतलब किसी पर्सन के लिए यूज हुआ, ये एक नाउन है. ए पर्सन हु इंटरप्ट ए परफॉर्मर पब्लिक स्पीकर विथ डेरिसिव और एग्रेसिव कमेंट और अब्यूज. फॉर एग्जांपल ही वाज एडेप्ट
एट डीलिंग विथ हिकलर्स, मतलब जो पर्सन हो गए कोई वो एडप्ट हो गए हैं डीलिंग विथ हिकलर्स, मतलब कुछ भी बोलो वो उनका भाषण चालू रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट मीन्स कम बैक टू लाइफ, मतलब कोई चीज़ जो फिर से जीवित हो जाती है उसे बोलते हैं रिसर्जेंट। जैसे आप इसे एग्जांपल समझो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कोई सॉन्ग है और वो सॉन्ग पहले बहुत पॉपुलर था, बहुत हिट सॉन्ग था, बट वो धीरे धीरे ओल्ड हो गया और वो अचानक से अभी वो फिर से पॉपुलर हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिसर्जेंट। मतलब वो सॉन्ग अभी पॉपुलर हो गया क्योंकि उसमें कोई रीमेक आया हुआ या ऐसा कुछ भी, तो उसे बोलते हैं रिसर्जेंट। जैसे आप इसे एग्जाम्पल से ही समझ लो। वन सेकेंड, या आपने ये एक सॉन्ग तो सुना ही होगा। तो देखो ये जो सॉन्ग है, ये लैला में लैला जो सॉन्ग है, ये बहुत पुराना सॉन्ग है, ये पहले तो बहुत पॉपुलर था बट अभी ये फिर से पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि ये रीमेक आ गया, न्यू मूवी था उसमें आ गया, इसीलिए। तो कोई भी चीज़ जो पहले बहुत पॉपुलर था लेकिन वो थोड़े दिन के लिए शांत हो गया और वो फिर से पॉपुलर हो गया, फिर से जीवित हो गया, तो उसे बोलते हैं रिसर्जेंट। अब आप ये सॉन्ग सिखाने तो भूल तो नहीं है पाओगे, तो इसे बोलते हैं रिसर्जेंट। सो रिसर्जेंट मीन्स इंक्रीजिंग और रिवाइविंग आफ्टर ए पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी पॉपुलरिटी और ऑक्यूरेंस, और कैन से इंक्रीजिंग अगेन एंड बिकमिंग पॉपुलर अगेन। हिंदी में से बोलेंगे फिर से उठ खड़ा होना या फिर से जीवित हो जाना, उसे बोलेंगे रिसर्जेंट। अब इसको याद रखो रूट वर्ड से, नहीं तो आप ये सॉन्ग से याद रख लेंगे। ओके, लहला में लहला न्यू पुराना सॉन्ग था, न्यू सॉन्ग हो गया तो वो हो गया रिसर्जेंट। या ऐसे करो डायरेक्ट रूट वर्ड से रिसर्जर। रिसर्जर मीन्स होता है राइज अगेन। देखो इसमें री है ना, तो री मीन्स का लव राइज अगेन या ऐसा कुछ, मतलब ये रूट वर्ड बना है रिसर्जर से, इसका मतलब होता है राइज अगेन, सो ये हो गया रिसर्जेंट। फॉर एग्जांपल रिसर्जेंट इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन पहले मतलब कम था, अब फिर से मतलब आ गया है इन्फ्लेशन, तो क्या होगा रिसर्जेंट इन्फ्लेशन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिसर्जेंट नेशनलिज्म, एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है रिसर्जेंस। रिसर्जेंट एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल ए रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन, एंड देखो रिसर्जेंट का एग्जाम्पल ए रिसर्जेंट पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो पहले शांत था और वो फिर से पॉपुलर हो गया, एक्टिव हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे ए रिसर्जेंट पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेसियस। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेसियस। टेनेसियस मीन्स नॉट ईजली लेटिंग गो, नॉट ईजली लेटिंग गो और गिविंग अप, मतलब आसानी से जाने नहीं देना, मतलब आसानी से जाने नहीं देना, आसानी से छोड़ना नहीं, उसे बोलते हैं टेनेसियस। जैसे सपोज कोई 5-6 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, और वो अपनी मामा के साथ कहीं जा रहा है, जब उसे रोड क्रॉस होना होता है तो वो अपनी मामा का हाथ को, मतलब हाथ या उंगली को बहुत कस के पकड़ लेता है, तो उसे बोलते हैं टेनेसियस। तो उस हाथ को जो पकड़ता है उसे हम बोल सकते हैं टेनेसियस ग्रिप, मतलब वो बहुत कस के दृढ़ता से पकड़ता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है, मतलब वो छोड़ेगा नहीं, आसानी से उसे जाने नहीं देगा, तो उसे बोलते हैं टेनेसियस। जैसे इस पिक में देख लो ये जो कुत्ता है, ये मतलब कुछ क्या है समथिंग, कोई लकड़ी है या कुछ भी होगा, तो ये इसे कस के पकड़ा, ये इसे कस, मतलब दोनों ही कस के दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, दोनों छोड़ने वाला नहीं है, मतलब कस के पकड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं टेनेसियस। तो टेनेसियस मीन्स होल्डिंग टाइट ऑन टू समथिंग और कीपिंग एंड ओपिनियन इन एन डिटरमाइंड वे, मतलब कोई भी ओपिनियन, जैसे आपका कोई सोच है या ओपिनियन है, आप उस डोट में अपने सोच में या ओपिनियन डटे हुए दृढ़ता से, आप अपने सोच से अपने ओपिनियन से डगमगा नहीं रहे हो, तो उसे बोलेंगे टेनेसियस। और यू कैन से स्टिकिंग टुगेदर, हिंदी में उसे दृढ़ या सख्त पकड़ने वाला। अब इसे याद कैसे रखें, तो आप इसको करो रेड अप, तो यहाँ है ना 10, अब इसको करो 10 हो गया 10, और ऐसे करो एशियंस, 10 एशियंस। सपोज क्या, 10 डेवलपिंग एशियन कंट्रीज इफ यूनाइटेड टुगेदर कैन नॉट बी पुल्ड अपार्ट, मतलब 10 एशियंस कंट्री, 10 एशियंस से बना 10 एशियन कंट्री हो गया, 10 एशियंस 10 एशियन, तो 10 एशियन कंट्रीज जब मिल जाएंगे, जब साथ में हो जाएंगे तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे टेनेसियस। ओके, मतलब वो दृढ़ता से सब साथ में होल्डिंग रहेंगे, तो वो हो गया टेनेसियस।
फॉर एग्जाम्पल ए टेनेसियस ग्रीफ, एंड इससे रिलेटेड वर्ड है टेनासिटी। टेनासिटी मीन्स हो गया द क्वालिटी ऑफ बिंग टेनेसियस, मतलब बात तो वही हो गई। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग द टेनासिटी ऑफ ओल्ड बुक्स बाइंडिंग, देखो टेस्टिंग द टेनासिटी ऑफ मतलब अब ओल्ड बुक का जो बाइंडिंग उसको चेक कर रहे हो कि वो अभी भी उस टाइप से मजबूत है कि नहीं है, ओके मतलब वो दृढ़ता से मजबूत पकड़ा हुआ है कि नहीं है। और नेक्स्ट इज टेनासिसली, ये एक एडवर्ब है विद अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग दैट इज क्लोजली। फॉर एग्जाम्पल पीपल फॉट टेनासिसली टू हैव द स्कूल रिस्टोर्ड, मतलब जो पीपल है वो टेनासिसली लड़ रहे हैं, मतलब वो दृढ़ता से एक साथ दृढ़ता से लड़ रहे हैं टू स्कूल रिस्टोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैसिलेशन, नेक्स्ट वर्ड इज वैसिलेशन, सॉरी वैसिलेशन, नेक्स्ट वर्ड इज वैसिलेशन। वैसिलेशन मीन्स व्हेन यू कंस्टेंटली चेंज योर ओपिनियन, मतलब जब आप अपना ओपिनियन कंटिन्यूसली चेंज करते हो, आपका ओपिनियन बार बार चेंज होते रहता है, मतलब हाँ नहीं मतलब आपको ओपिनियन बार बार चेंज होते रहता है, उसे बोलते हैं वैसिलेशन। जैसे यहाँ देखो पिक में ये जो पर्सन है इसको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना, मतलब ये कन्फ्यूज है हाँ या नहीं, मतलब जाना है नहीं जाना ऐसा कुछ है, तो उसे बोलते हैं वैसिलेशन। जैसे सपोज आपको आपको सपोज नेक्स्ट फ्राइडे को मूवी जाना, तो आपने प्लान किया था हाँ मुझे मूवी जाना है, फिर आपने प्लान किया नहीं मूवी मुझे मूवी नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, मतलब कन्फ्यूज हो जाना है नहीं जाना, मतलब किसी दो ओपिनियन में कन्फ्यूज रहते हो, मतलब सर्टेन ही नहीं हो पाते हो कि वो जाना है कि नहीं जाना है, तो उसे बोलते हैं वैसिलेशन। सो वैसिलेशन मीन्स टू बी अनसर्टेन व्हाट टू डू और टू चेंज ऑफन बिटवीन टू ओपिनियन, हिंदी में से बोलेंगे अनिश्चय या चंचल। अब इसे याद कैसे रखें, तो आप इसको कर रिलेट आप वेसल से, वैसिलेशन वेसल, वेसल मीन्स पता है ना जो बड़ा सिप या बोट होता है उसे बोलते हैं वेसल। तो थिंक इट लाइक वेसल विच फ्लक्चुएट बैक एंड फोर्थ, मतलब जो वेसल्स है वो आगे पीछे होते रहते हैं, तो वो क्या मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब जैसे इस पर्सन का ओपिनियन हो रहा है चेंज आगे पीछे, तो वो हो गया वैसिलेशन। तो आप इसको कर रहे हैं वेसल से, जो नाव है या सिप है वो आगे पीछे हो रहे हैं। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे होना, मतलब कोई भी चीज़ आगे पीछे होता है तो उसे बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल हर मूड वैसिलेटेड बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है वैसिलिएट। वैसिलिएट एक वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके वैसिलिएट आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। वैसिलिएट, वैसिलिएट एक वर्ब है, फॉर एग्जाम मीन्स वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आई वैसिलेटेड बिटवीन टीचिंग एंड जर्नलिज्म, मतलब वो दोनों में कन्फ्यूज है टीचिंग में या जर्नलिज्म में। सो गाइज अब आप रिविजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। फर्स्ट सरप्टीशियस, सरप्टीशियस मीन्स जब आप मतलब किसी काम को छुप के करते हो, छिप छिपा करते हो, कोई गलत काम को, तो उसे बोलते हैं सरप्टीशियस। नेक्स्ट वर्ड इज था इमॉर्टलाइज, जो आप मतलब आपके जो फेमस है जो हमेशा अमर रहेंगे, जो हमेशा अमर रहेंगे हिस्ट्री बुक में, तो उन्हें बोलेंगे इमॉर्टलाइज। नेक्स्ट वर्ड था वर्बोस, वर्बोस जो मतलब अपने बातों को ज़्यादा वर्ड्स में यूज़ करके बताना, जैसे मैंने बताया था कोई पार्टी में गया है वो वर्ड आपको बताना हाँ या ना में दोनों है सर, आप पूरा ब्ला 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 किए जा रहे हो, तो उसे बोलेंगे वर्बोस। नेक्स्ट वर्ड था हिकल, हिकल मीन्स जो पब्लिक में कुछ बोल रहा है और आप उसे इंटरप्ट कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे हिकल। नेक्स्ट वर्ड था रिसर्जेंट, रिसर्जेंट का भी याद रखो लहला में लहला, वो बहुत पुराना सॉन्ग है बट वो न्यू सॉन्ग मतलब वो फिर से पॉपुलर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं रिसर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड था टेनेसियस, मतलब कोई दृढ़ से मतलब अपना कोई काम को दृढ़ से मतलब पकड़े रहना छोड़ना नहीं, उसे बोलते हैं टेनेसियस। जैसे कुत्ते को देख लो, मतलब यहाँ कोई क्या बोलते हैं इसका टंगरी पकड़ता है ना कोई, मतलब वो टंगरी छोड़ता नहीं है, चिकन टंगरी या कुछ संगी रहता है तो वो छोड़ता नहीं है पकड़ा रहता है, तो बोलेंगे टेनेसियस। नेक्स्ट था वैसिलेशन, वैसिलेशन मीन्स वो ओपिनियन मतलब किसी दो ओपिनियन में डिसाइड नहीं कर पाता, वो कन्फ्यूज होता है हाँ या ना, हाँ में ना में, किसी दो ओपिनियन कन्फ्यूज रहता है सर्टेन नहीं हो पाता है, तो उसे बोलते हैं वैसिलेशन। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।